नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। भाई अभी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो छूट चुका है और हमारे साथ में कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? आकाश विश्वकर्मा। आकाश जी, जी कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक रहा सर। ओवरऑल जो अगर हम लैब की बात करें तो क्या एक एवरेज स्कोर रहा है सभी का? सर एवरेज तो 100 से नीचे ही रहा और हाईएस्ट मार्क 124 है सिर्फ एक ही बंदे के पास। 124 आपकी लैब में है? जी है ना। अभी कुछ बच्चे 134 समथिंग भी जा रहे थे। जी सर, मेरे लैब में 124 ही था। 124 ही है। मैथ्स में इनमें अगर आप डेली एनालिसिस देख रहे हो तो कोई चेंजेस देखने को मिला या फिर उसी प्रकार? मैथ्स में कोई चेंजेस नहीं है सर, वही अपने अरिथमेटिक्स है और हायर मैथमेटिक्स ज्योमेट्री वगैरह से है। बस प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में, फुल मैथ्स में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस। सिंपलीफिकेशन के इनके किस प्रकार के क्वेश्चन? सिंपलीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चन, चार क्वेश्चन के लगभग थे। चार क्वेश्चन लगभग थे जी। अच्छा, और डीआई में ज्यादा डर रहे बच्चे तो? डीआई नहीं सर, डीआई तो बिल्कुल ही इजी आ रहा है। डीआई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो डरने की बात नहीं है। मतलब डीआई बिल्कुल नहीं है। मैथ रीजनिंग में दोनों की अगर हम बात करें कि एवरेज क्वेश्चंस कितने देखने को मिले? हम मैथ्स में तो 45 प्लस थे और रीजनिंग में जी मैथ्स में। अच्छा, आधे 25 से 30 अलग पोर्शन में थे, फिर 20 के प्लस अलग पोर्शन में दिए थे उन्होंने। अच्छा जी, और रीजनिंग में भी इतना ही था, 25-30 इंग्लिश के 30+ क्वेश्चन थे। इंग्लिश के 30+ क्वेश्चन जी, और हिंदी तो 20 नंबर की थी लेकिन इजी थी हिंदी काफ़ी। हिंदी काफ़ी इजी थी, मतलब इंग्लिश 30 तक पहुंच चुकी है आज। जी इंग्लिश तो 30 के प्लस हो गई है आज। और इसमें कोई टॉपिक जो आपको कुछ एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह यही है नॉर्मल। पैसेज का सुन रहा था, इतने दिन से पैसेज नहीं आया आज। पैराजम्बल वगैरह के कुछ नहीं? कुछ भी नहीं सर, नहीं सिर्फ एक पैराजम्बल वो जो अरेंजमेंट वाला था उसका आया था। जी आया था, एक क्वेश्चन था सिर्फ जी। और बताइए हिंदी में? हिंदी में तो सर छंद से, अलंकार से, रस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। छंद, अलंकार और अपना पर्यायवाची विलोम जैसे नॉर्मली क्वेश्चन थे। हिंदी इजी था। हिंदी इजी था जी, हिंदी इजी था। अच्छा, और साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन? साइंस में तीनों टॉपिक से है क्वेश्चन, तीनों से केमिस्ट्री मैथ तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री सब बायो तीनों से है। और ऐसा कोई वेटेज नहीं है कि इसका ज्यादा, तीनों बराबरी पे ही है लगभग। अच्छा, तीनों बराबरी पे ही है जी। मतलब बायो को भी कवर कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को कर दिया। जो एक नॉर्मल बुक से पढ़ने पे कवर हो जाए या फिर डीप में नॉलेज चाहिए साइंस? नहीं सर, नॉर्मल बुक से पढ़ने में कवर हो जाएगा। कोई नॉर्मल बुक से, नॉर्मल बुक से पढ़ने में कवर? काफी सारे बच्चे यही बता रहे हैं कि जो नॉर्मल है वही है जी। साइंस तो नॉर्मल ही है, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मल ही है साइंस तो। अच्छा, साइंस नॉर्मल ही है। और इसमें मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट तो सर मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था, कल आपकी क्लास से मैराथन ली थी 6 घंटे की, एक सर हो रहे जिनका मुझे याद नाम जी, तो उसमें से क्वेश्चन थे कुछ 4-5। और बाकी मैनेजमेंट तो ज्यादा पढ़ा नहीं तो कुछ उसके बारे में कमेंट कर ही नहीं सकते। कैसा बात है, वो अभी नया ही टॉपिक है जी। बाकी 6 घंटे वाली जो मैराथन थी उससे बेनिफिट हुआ? उससे बेनिफिट हुआ सर जी, जरूर बेनिफिट हुआ। और कंप्यूटर का? कंप्यूटर का सर नॉर्मली क्वेश्चन थे कंप्यूटर के भी, और 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े नहीं थे, मतलब सुना भी नहीं था उनके बारे में, ऐसा कोई अलग टाइप के थे। तो बाकी तो ऐसा है कि अच्छे से अगर पढ़ा हो कंप्यूटर तो कवर हो सकता है, कवर हो सकता। ज़्यादा हाई लेवल, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, जरूरत नहीं है ज़्यादा हाई लेवल को पढ़ने की भी। आपने हमारे यहाँ से सिर्फ मैनेजमेंट ही पढ़ा? जी मैनेजमेंट का मैराथन निकाल ही पढ़ा था जी। अच्छा ठीक, सर भी आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, तो और अगर हम बात करें इसके अंदर अपना जो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे अगर मैं इसमें रीजनिंग में जी, तो रीजनिंग में और क्या स्पेशल देख? रीजनिंग में नंबर सीरीज के 3-3, 4-4 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा, कोडिंग डिकोडिंग के थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस चाहिए। डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन? हाँ। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह? सिटिंग अरेंजमेंट के नहीं थे, रैंकिंग के क्वेश्चन थे आज। रैंकिंग के 3 क्वेश्चन ज़्यादा थे जी, रैंकिंग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। बस यही है कि मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए सर बहुत। मैं तो रीजनिंग में अगर प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए। टाइम एंड वर्क वगैरह के ज़्यादा 3-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। अरिथमेटिक नॉर्मल ही है और जो अपना हायर मैथमेटिक्स वो भी नॉर्मल है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए बस। अच्छा, प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप कहीं से भी जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे तो उनमें क्या नंबर आ रहे थे? सर मॉक टेस्ट तो मैंने लगाया नहीं, तो एक बार ही लगाया जब 92 मार्क्स था मेरा। जी क्या नाम है आपका? हाँ सर, राहुल भगवान नाम है सर मेरा। राहुल जी नाम है जी। जी कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सर एवरेज से थोड़ा अच्छा रहा है, मतलब समथिंग 106 नंबर आया है मेरा। 106 नंबर है। आप तैयारी कर रहे थे इसी की पर्टिकुलर या MBBSC या SSC की? नहीं सर, मैं एक्चुअली CSIR नेट की तैयारी करता हूँ, बट अभी पटवारी का निकल गया तो अभी 1-1.5 महीने की तैयारी थी मेरी। 1-1.5 महीने की तैयारी? बिल्कुल। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बढ़िया था सर, मतलब ऐसा लगा कि अगर मैथ्स में कंटिन्यू प्रैक्टिस होती 2-3 महीनों की भी होती तो भी इजीली हो रहे थे, मतलब सरल क्वेश्चन थे, पर वो बिना प्रैक्टिस के अगर करोगे तो फिर वो टफ ही लगेगा सर ऐसा। ये दिक्कत थी।
चलो ठीक है। और आप मुझे बताइए, मैं तो रीजनिंग में जो बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे 80 नंबर 70 नंबर की आ रही है, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल आ रही है? रीजनिंग और मैथ्स 70 प्लस का था आज भी। हाँ हाँ, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी मतलब सिंपल भी थे, टफ भी थे, दोनों लेवल में थे, दोनों लेवल के थे जी। और जीके में किस प्रकार के क्वेश्चंस थे? जीके में भी सिंपल थे, एमपी के ज़्यादा थे। मतलब जैसे कल का मैंने जब देखा था एनालिसिस तो कल तो इतना नहीं था, बट अभी एमपी के थे लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे एमपी के। 9 से 10 क्वेश्चन एमपी के? किस प्रकार के क्वेश्चन थे एमपी के? क्वेश्चन सर वो तो ध्यान नहीं है अभी, ध्यान नहीं आ रहा। मैं याद दिलाओ कुछ, जैसे गुफाएं हो गई है, नदियाँ हो गई, तालाब, परियोजना से भी नहीं था, इनसे किसी से भी नहीं था। अच्छा, कोई अभ्यारण वगैरह? हाँ, अभ्यारण से था। अच्छा, मेले वगैरह कुछ उनसे क्वेश्चन? मेले वगैरह से नहीं था, किसी से भी क्वेश्चन नहीं। अभ्यारण से था, ये जो घड़ियाल वाला था ना। हाँ हाँ, घड़ियाल वाला था। घड़ियाल की किस अभ्यारण में पाली जाती है? हाँ, इस टाइप से कुछ था। अच्छा, और कोई सन वगैरह से क्वेश्चन, जैसे इस अकादमी का क्या स्थापना हुई? हाँ, सन वगैरह से 2 से 3 क्वेश्चन थे, बट मुझे याद नहीं है। अच्छा, 2 से 3 क्वेश्चन थे, मतलब डेली सन से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई एमपी का या स्टैटिक में करंट अफेयर के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट? करंट अफेयर के हाँ, दो समथिंग देखने को मिले थे। किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर का? यार वो वित्त मंत्री का पूछा था। अच्छा, 2022 का? 2022 के वित्त मंत्री का। हाँ, मतलब वित्त मंत्री 2022 में चुना गया था। हाँ, तो वो कौन था, उनका नाम पूछा गया था। ठीक है। हाँ, और अगर इसमें बात करते हैं हम इंग्लिश और हिंदी में? इंग्लिश हिंदी तो बहुत सिंपल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बहुत। हाँ, मतलब अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। स्टूडेंट बता रहे कि इंग्लिश जो 30 नंबर समथिंग की है, तो सही है। हाँ, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था, इंग्लिश का वेटेज। और पूछ तो वही रहे जो हमेशा पूछ रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहे हैं, उसमें एक्टिव वॉइस पूछ रहे हैं, नरेशन नहीं था आज, और पैरा जंबल भी नहीं था। पैरा जंबल भी नहीं था और नरेशन नहीं था, ये दोनों जो है पहले कंटिन्यू चल रहे थे, अभी हटा दिया। हाँ, ठीक है। हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? हिंदी में जो अलंकार के थे एक दो क्वेश्चन, अलंकार के बाद आप टॉपिक बताओ, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं आएगा। अच्छा, जैसे विलोम हो गया, विलोम हो गए, नहीं ये समोच्चारित भिन्न, तत्सम तद्भव थे, तत्सम तद्भव। हाँ, ये थे उपसर्ग प्रत्यय थे, है ना। हाँ, इनसे क्वेश्चंस थे बिल्कुल। और जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो अपने मुहावरे वगैरह, लोकोक्तियाँ? मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं, मुहावरा था एक क्वेश्चन था वहाँ पे का। हाँ, है ना, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन थे। संधि में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? संधि बनाने के? संधि में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को आज, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा बिल्कुल नहीं। अच्छा, समाज से कोई क्वेश्चन? समाज से क्वेश्चन था। और अगर इसमें बात करता हूँ साइंस में, साइंस किस प्रकार की थी, क्या लेवल एक साइंस का? साइंस का तो एवरेज प्लस ही है, मतलब ठीक ठाक है साइंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो मेरा क्या साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस के तो लगभग अच्छा गया मेरा। तो आप अच्छे बता सकते हो कि जैसे अगर साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं या ऐसे पढ़ते हैं, तो उससे हो जाए काम या फिर थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा? साइंस नहीं, इतना डीप में तो नहीं जाना पड़ेगा, लूसेंट की बुक से भी अगर पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों देखने को मिली? फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कम था, बायोलॉजी ज़्यादा था। बायोलॉजी ज़्यादा थी, फिजिक्स केमिस्ट्री कम था? कम था आज के बारे में। फिजिक्स केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? इक्वेशन से किस प्रकार के, न्यूमेरिकल? नहीं, फिजिक्स का तो शायद था ही नहीं। हाँ, केमिस्ट्री बायोलॉजी था लगभग पूरा, बायोलॉजी। हाँ, था लगभग। और कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? कंप्यूटर थोड़ा टफ लगा मेरे को, टफ लगा। हाँ, मतलब जिस हिसाब से तैयारी की थी ना। हाँ, हाँ, उस हिसाब से क्वेश्चन आया नहीं है, कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछे थे, मतलब जो अभी तक जो पैटर्न चला रहा था कंप्यूटर का। हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। हाँ, उस टाइप का लेवल नहीं था, थोड़ा अलग था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अगर आपको व्यवहारिक नॉलेज है कंप्यूटर का। हाँ, तो आंसर बन जाएगा, बन जाएगा। एमएस ऑफिस से क्वेश्चन थे? एमएस ऑफिस से नहीं था, एक्सेल से था। एक्सेल से क्वेश्चन? हाँ, एक्सेल से थे। और इसके अलावा शॉर्टकट की भी थी आज, शॉर्टकट की थी। कोई याद है कुछ आपको किस प्रकार की? एक तो यही पूछ लिया था अपना, जो सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीयू। हाँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, एक ये पूछ लिया था सिंपल। और एक क्वेश्चन जीके का मेरे को याद है, वो सलमान खान का इसलिए याद है मुझे। हाँ, बताइए। सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। अच्छा, था ऐसा पूछा गया था, ठीक है। और कोई याद हो जीके का? कंप्यूटर में जैसे इंटरनेट पार्ट से क्वेश्चन से या बाइनरी डिजिट वगैरह? हाँ, बाइनरी से पूछा था। बाइनरी डिजिट से किस प्रकार का क्वेश्चन था? जैसे इस टाइप का था, 00001 लिखा था। हाँ, हाँ। इसके बाद में उसको पूछा क्या था, कुछ नीचे ब्रैकेट लगा के नीचे से ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट कुछ भी नहीं लगाया था, बस उसने यही बताया था कि 001 जो है नीचे ऑप्शन। हाँ, में फिर 001 था, 110 था, इस टाइप से क्वेश्चन थे। हाँ, बाइनरी का, बाइनरी का, ठीक है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन? हाँ, फुल फॉर्म से थे, लेकिन वो ध्यान नहीं है, कुछ अलग ही पूछा था उनने। अच्छा, कुछ अलग ही पूछा था, नॉर्मल सा जो फुल फॉर्म देखते हैं उस प्रकार से? उस प्रकार से नहीं था, आपको नहीं याद आ रहा है। हाँ, एनालिसिस डेली अगर देखते होंगे, आपने देखा था एनालिसिस के जो वीडियोस वगैरह इनसे कुछ? हाँ, मैंने लगभग एनालिसिस देख के ही पढ़ाई की थी। अच्छा, एनालिसिस देख के ही आपने पढ़ाई की है 15 मतलब, तारीख से? हाँ, मतलब काफ़ी टाइम से मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था ऐसा। तो पेपर में टाइम कम लगा आपको? हाँ, ये तो है, मतलब जो मैथ्स और रीजनिंग में एक्सपर्ट है उन्हीं को टाइम मैनेज होगा, बाकी अगर एवरेज है तुम्हारा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले क्या सॉल्व करना चाहिए आपके हिसाब से, बच्चों को क्या कहना? मेरे हिसाब से जो तुमको सबसे अच्छे से पहले आता है
सबसे पहले अच्छे से आता है उसी टॉपिक को कवर करो। जैसे मैंने सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन किया जो मेरे को फर्स्ट में आ गया था, इंग्लिश का किया, फिर हिंदी का किया, अपना साइंस का पोर्शन किया और साइंस के बाद में कंप्यूटर। अच्छा। तो रीजनिंग और मैथ्स मैंने सबसे लास्ट में किया। रीजनिंग और मैथ्स सबसे लास्ट में किया, बट उसमें भी मुझे टाइम थोड़ा कम लगा, मतलब कम, क्योंकि मुझे मैथ्स इतना अच्छा नहीं मेरा, इस वजह से वो टाइम लग गया। ठीक है, तो और कुछ आप बोलना चाहेंगे बच्चों को जो कि ध्यान रखना चाहिए उनको पेपर में? हाँ, बस वो ध्यान तो यही रखना पड़ेगा कि जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चन में टाइम मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है तो, मतलब अच्छा भी है तो भी टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा, बहुत लेंदी पेपर आ रहा है। अच्छा, जो प्रबंधन है, प्रबंधन के भी मतलब क्वेश्चन इतने लंबे आ रहे हैं कि कम से कम एक मिनट तो आपको पढ़ने में ही लग जाएगा। अच्छा, इस टाइप के, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लैब का एक हाई स्कोर की अगर बात करें क्या रहा है? मेरे जस्ट साइड वाले का ही था 137। आपके साइड वाले का ही था? ज़्यादा नहीं देखा मैंने। एवरेज क्या था लैब में? नहीं, 137 से ऊपर मेरे को नहीं पता, 137 मेरा मतलब मेरे साइड में था, उससे पता मुझे। अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच आपने समय दिया। जी मैम, क्या नाम है आपका? दिव्या सोलंकी जी, कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा था सर, फर्स्ट टाइम दिया था व्यापम का। अच्छा था। अच्छा, व्यापम का फर्स्ट टाइम दिया था। आप कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी करते हैं क्या? न सर, कोई नहीं, अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ है मेरा लास्ट ईयर। हाँ, यस सर। तो आपने फर्स्ट टाइम ही पेपर दिया है, तो आप अगर कम्फर्टेबल हो तो नंबर बता सकते हैं कितना है आपके? यस सर, 64 है। मतलब फर्स्ट टाइम में है ना? यस सर। ठीक है, जो आपके लैब में है उसमें क्या नंबर है? तो सब कुछ याद सर, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी ने नहीं बताया ऐसे तो कुछ। हाँ, 140 के अबाव ऐसा कुछ चल रहा था कि 140 आए हैं, बट अब पता। आपने जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो जैसे आपने ऑनलाइन पढ़ाई की थी या फिर कहीं ऑफलाइन? नहीं सर, ऑनलाइन ही की थी। हाँ, और रीजनिंग वगैरह ये इनसे ही देखे थे। हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा है, अभी आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, इसका हम लोगों ने एनालिसिस लिया है, और जो एक एवरेज स्कोर की हम बात करें तो सभी बच्चों के मतलब 100 से लेकर के 130 तक के बीच में नंबर रहे हैं, और जिन बच्चों ने नई नई पढ़ाई की थी या ज़्यादा समय से नहीं पढ़ाई कर रहे थे, उनके सभी के 100 से कम ही नंबर है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म से पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों के 100 से ज़्यादा नंबर है, और हाईएस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादातर हमको नंबर देखने को मिले 134, 137, इस प्रकार से नंबर देखने को मिले, 139 तक के भी आज के पेपर में जो है नंबर गए हैं। नया टॉपिक कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों का कहना है कि नरेशन और पैराजम्बल अब आना कम हो चुका है, और मैथ में DI के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, और हिंदी बिल्कुल सिंपल आ रही है, कंप्यूटर का थोड़ा सा लेवल जो है वो अप हो चुका है। तो अब इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है और सारे टॉपिक्स जो है उनको कवर करते हुए चलना है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार के सटीक एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चैंपियन एकेडमी को। थैंक यू सो मच।